जनपद रामपुर में रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से मिलक शादी नगर में 10,000 मीटर क्षेत्र की अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। इस कॉलोनी का रामपुर विकास प्राधिकरण में किसी तरह की कोई स्वीकृति नहीं थी, जिसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। रामपुर विकास प्राधिकरण की इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिस तरह से रामपुर में अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं और बिना RDA की अनुमति के बनाई जा रही, इस तरह की कॉलोनी पर रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। आज मिलक शादी नगर में 10,000 मीटर क्षेत्र की कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया, जहां पर प्लॉटिंग कर प्लॉट बेचे जा रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी और राजस्व के अधिकारी भी मौजूद थे। किस तरह से रामपुर में अवैध कॉलोनी लगातार जगह जगह बनाई जा रही है और भोले भाले लोगों की गाड़ी और मेहनत की कमाई को वे लोग लेकर उन्हें प्लॉट बेचते हैं, और बिना रामपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति के इस तरह की कॉलोनी में प्लॉट लेने से बचे। इसी तरह की अपील RDA के JE हरिओम गुप्ता ने रामपुर की जनता से की है। जो स्वीकृत कॉलोनियां हैं RDA से, उस कॉलोनी में ही अपना प्लॉट लें, मकान लें। लेकिन जिस तरह से रामपुर में इस वक्त अवैध कॉलोनी का कारोबार चरम सीमा पर है, इस तरह की कॉलोनियों के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए हर हफ्ते रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें, पिछले दिनों भी रामपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी बड़ी कॉलोनियों को ध्वस्त किया था, जहां पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, जैसे आगापुर, टिकटगंज। इसके अलावा और कई जगह थी जहां बड़े पैमाने पर आम के बागों को काटकर प्लॉटिंग की जा रही थी। उस पर भी RDA ने उन कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। ये राजेश पांडे की कॉलोनी है और ये बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो इसमें जो है कार्रवाई की हुई थी हमने मिलक शादी नगर में। तो इसमें जो है हमने आज जो है ध्वस्तीकरण आदेश पारित हो गया था, तो इसे जो है आज हमने तोड़ दिया। कितना एरिया है जिसको आज ध्वस्त किया आपने? लगभग जो है 10,000 मीटर के करीब। कहाँ पर है ये कॉलोनी? ये मिलक शादी नगर। किस नाम से बसी है? एजुकेटिव इंक्लेव के पार्ट में जो है बढ़ा रहे थे, इस मारे जो हमने तोड़ दिया। कब से चल रहा है आपका बुलडोजर RDA? ये हमारा 12 बजे से चल रहा है। सर, और जो अवैध कॉलोनी लोग बना रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि बिना अप्रूव करे कॉलोनी में कोई प्लॉट ना ले। अगर प्लॉट लेता है तो उसे जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमारी हर हफ्ते चल रही है, उसमें जो है आपका टूट जाएगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है आप अप्रूव कॉलोनी में ही लें।